नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश में जारी विधानसभा चुनाव के बीच सत्ताधारी भाजपा मायावती और उनकी पार्टी बसपा पर नरम रुख इख्तियार करती ही नजर आ रही है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में अमित शाह ने मायावती और उनकी पार्टी को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। अमित शाह ने कहा कि मायावती की जमीन पर पकड़ अच्छी है, इसलिए इस चुनाव में भी उन्हें अच्छा वोट मिलेगा। अब इस बयान पर के बाद में जो राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की बातें होनी शुरू हो गई हैं, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी चुनाव आगे बढ़ने के साथ दिलचस्प होता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर है। वहीं इस बीच सत्ताधारी भाजपा मायावती और उनकी पार्टी बसपा पर नरम रुख इख्तियार करती नजर आ रही है। दरअसल इस बार के चुनाव में कहा जा रहा है कि यूपी में मुख्य लड़ाई बीजेपी और सपा के बीच है। ऐसे में चार बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती के बारे में कहा जा रहा है कि वो ज्यादा आक्रामक होकर चुनावी मैदान में नहीं उतरी है। हालांकि इसको लेकर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मायावती ने अपनी प्रासंगिकता नहीं खोई है, मुझे विश्वास है कि उन्हें वोट मिलेगा। मुझे नहीं पता कि ये कितनी सीट में तब्दील होगा, लेकिन बसपा को वोट मिलेगा। मायावती की जमीन पर अपनी पकड़ है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जाटव वोट बसपा के साथ रहा है और मुस्लिम वोट भी बड़ी मात्रा में बसपा के साथ जाएगा। वहीं उन्होंने यूपी में चुनाव बाद बीएसपी के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी के किसी बड़े नेता ने मायावती के बारे में सकारात्मक बयान दिया हो। इससे पहले खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैलियों में बहुजन समाज पार्टी और मायावती के खिलाफ अधिक आक्रामक रुख नहीं दिखाया है। हालांकि उन्होंने भी बसपा से गठबंधन की खबरों को नकार दिया था। प्राइम टीवी के लिए आरती तिवारी की रिपोर्ट। प्राइम टीवी के इस खास रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।